हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो निगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, ठीक है। और हमने आपको बताया कि पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव ये भी है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, यानी इनके बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन को हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की ओर खींच रहे होते हैं, ठीक है। इनके बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, दोनों दूर हटते हैं, ठीक है। इन पर जो एक और फोर्स आता है, देखो माइनस है, ये भी माइनस है, इनके भी बीच रिपल्सन होगा, ठीक है। रिपल्सन होगा इनके भी बीच, वही कंडीशन होगी, दोनों एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी तो ये यहां पर जो ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण कोई फोर्स अगर इसको मिल रहा है तो इसका मतलब यहां पर इसका कुछ प्रभाव है, ठीक है। तो प्रभाव है, इसी प्रभाव को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में देखते हैं, ठीक है। ए रीजन अराउंड ए चार्ज एंड इन विच ए टेस्ट चार्ज फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच एन अदर चार्ज फील्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी इस चार्ज के चारों ओर ऐसा रीजन है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है अट्रैक्शन का, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल हो रहा है, इसका मतलब इस पर फोर्स हो रहा है रिपल्सन का, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ये भी रिपल्सन का फोर्स फील कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम एक चार्ज ऐसे यहां ले लें, प्लस चार्ज ऐसे, ठीक, तो इसके चारों ओर एक रीजन ऐसा बनेगा कि जिसमें अगर कोई चार्ज यहाँ आएगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपल्सन फील करेगा, अगर यहाँ कोई निगेटिव चार्ज ऐसे आ गया तो ये अट्रैक्शन फील करेगा, अगर यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज आया तो ये भी अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये चार्ज क्या है? ये रिपल्सन फील करेगा, ठीक है। तो जब ऐसा फील होता है तो इसका मतलब ये जो रीजन बना हुआ है जिसमें इस पर फोर्स फील हो रहा है, इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये कंसेप्ट निकालते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो पॉजिटिव से इमिट होती है और इनफाइनाइट की ओर सीधी चली जाती है, स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज होते हैं उनमें इनफाइनाइट से फोर्स लाइन आती है और इंटर हो जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? किसी चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन जिसमें अदर चार्ज अगर आता है तो उस पर फील्स फोर्स फील होगा, एक फोर्स अपीयरेंस होगा, ठीक है। ए रीजन अराउंड ए चार्ज एंड विच एन अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है।
देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये सपोज कर लो एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे जो है हम लोग कोई फोर्स फील अगर चार्ज पर कराएंगे, सपोज कर लीजिए कोई यहाँ पॉइंट चार्ज जैसे हमने क्यू रख दिया, ठीक, ये भी प्लस क्यू हमने रखा, तो इस पर कोई फोर्स फील होगा, ये इस पर एक फोर्स फील होगा। हमने अभी बताया दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इस पर लगेगा, ठीक है, इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, ठीक है। इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज विथ इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज टेस्ट चार्ज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, उसी का अपना मैग्नीट्यूड यानी एफ अपॉन क्यू नॉट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई, By definition is equal to F upon Q naught. यदि किसी परीक्षण आवेश Q naught को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, जो हमने परीक्षण आवेश लिया क्यू नॉट, इस पर जो बल लग रहा है इस चार्ज के कारण लग रहा है, इसकी अभी हम बात ही नहीं करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो अब इस पॉइंट को हम सपोज कर लें, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया वो पॉइंट ए पर कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको अगर हम वेक्टर रूप में अप्लाई करें स्टूडेंट, तो वेक्टर फॉर्म इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं, ठीक है, यानी यह एक वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऊपर से इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसका एक यूनिट हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इसका एक और यूनिट हम लोग लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर, इसका एक अदर यूनिट हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, ठीक है, डायमेंशन आप इसी से निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो न्यूटन की जो डायमेंशन है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ठीक, अब पर कूलाम है तो अपान हम लोग क्या लिख देंगे, इसके लिए अपान कूलाम की डायमेंशन टीए होती है, ठीक है, अपान टीए, इसी को ऊपर कर दो डायमेंशन निकल आएगी, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, एक पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमने लेट कर लिया, लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, एंड ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑफ सेपरेशन स्मॉल आर बिटवीन देम, ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट अपने से लिखिए सुन करके, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये टेस्ट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑफ सेपरेशन स्मॉल आर बिटवीन देम, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0k, 4πε0k Q0/r। माना कोई बिंदु आवेश O पर स्थित है और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर प्लस बिंदु आवेश क्यू के कारण लगने वाला बल, ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4πε0k Q0/r², ठीक है। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ठीक है, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अभी हमने बताया, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट बताया, ठीक है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। आप एफ की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होगा, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्यू नॉट जो होगा ये डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पर क्या चार्ज रखा है इसका इस पर इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है, तो आप इस कैलकुलेशन में इस चार्ज क्यू नॉट के इफेक्ट को इस पॉइंट पर नेगलेक्ट मानते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², इसका फार्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इधर ही होगी जिधर फोर्स है, तो इधर ही वेक्टर ही की डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर ई की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखो अगर हम इनके बीच ग्राफ बनाए स्टूडेंट, ठीक है, तो ई और आर का ग्राफ ऐसे बनता है, इधर हम लोग आर लेते हैं और ऊपर लेते हैं ई, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये पैराबोलिक होता है, जैसे ऐसे पैराबोलिक की तरह बनता है, ठीक, इसमें आर पर पावर 2 है, ई पर पावर 1 है, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है, कैसा होता है, पैराबोला, ठीक, यानी ये परवलयाकार ग्राफ बनता है इसका, ठीक है।